नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विस्तार न्यूज। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। शाम के 6 बज चुके हैं, ढेर खबरें हैं छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, देश में। सभी खबरों की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर का रुख करेंगे जो कि जबलपुर से आ रही है, हाई कोर्ट से आ रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर हाई कोर्ट ने अहम फैसला दिया है। भर्तियों के कुल पदों पर नहीं, आरक्षित पदों में से दिया जाएगा ईडब्ल्यूएस आरक्षण। अनारक्षित पदों के 10% पदों पर ही दिया जा सकता है ईडब्ल्यूएस आरक्षण। एससी एसटी ओबीसी वर्ग को आरक्षण उनका मिलेगा, ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। कुल पदों के 10% पदों पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने की मांग वाली याचिकाएं हाई कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। कुल पदों के 10% पदों पर ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने की मांग वाली याचिकाएं, यानी कि एससी एसटी ओबीसी वर्ग के लोग जो हैं वो उस आरक्षण की सीमा में नहीं प्रवेश कर सकेंगे और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लोग इस आरक्षण की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। अहम फैसला। दुर्गेश साहू जबलपुर से सीधा जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी। दुर्गेश, ये फैसला कब आया, किसने याचिकाएं लगाई थी और क्या क्या है, इन डेप्थ जरा बताएं। बिल्कुल नीतीश, देखिए मध्य प्रदेश में आरक्षण का मामला राजनीति से लेकर न्याय प्रक्रिया तक गुजर रहा है और इसी के तहत 2019 में सामान्य प्रशासन विभाग ने एक रोस्टर जारी किया था जिसमें 100% पदों पर, यानी कि यूं कहें कि कुल पदों पर 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण, यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है उसे देने का आदेश जारी कर दिया था। और इस आदेश को लेकर हाईकोर्ट में ये पिटीशंस चल रही थी, याचिकाएं चल रही थी, जिसमें ये मांग की गई थी कि कुल पदों में 10% आरक्षण जो है दिया जाना चाहिए और इसे चुनौती दी गई थी। अब दरअसल कहा क्या गया था, मैं आपको विस्तार से बताता हूं नितेश, क्योंकि देखिए एक उदाहरण के तहत अगर मैं समझाने की कोशिश करूं कि किसी पद पर 100 पद खाली हैं तो 100 पद में नियमों के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो एसटी वर्ग जो है, एससी वर्ग है, एसटी वर्ग को 16, एसटी वर्ग को 14 और ओबीसी वर्ग को 27, तो कुल मिलाकर कहा जाए इन वर्गों को बांट दिया जाए, अब बचता है कुल 37 सीटें, तो इन 37 सीटों पर ही 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस के लिए लागू होगा, यानी कि केवल 4 सीटें ईडब्ल्यूएस के तहत आ पाएंगी। अब मांग ये की गई थी कि पूरे 100 पदों पर ईडब्ल्यूएस लागू किया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे नहीं माना और हाईकोर्ट ने ये कहते हुए कि संविधान के विपरीत होगा, हम हर वर्ग को आरक्षण दे रहे हैं और उस आरक्षण पर आरक्षण नहीं मिल सकता, यानी कि अगर एसटी वर्ग को 14 सीटें दी जा रही हैं 100 में से तो उस पर भी आर्थिक रूप से आरक्षण का जो सिस्टम है वो लागू नहीं होगा, जो बची सीटें हैं 37 सीटें हैं केवल उन पर ही ये जो नियम है लागू हो सकता है। तो इस तरह से हम समझा जाए। दुर्गेश की गणित बहुत अच्छी है, लगता है गणित के भी छात्र रह चुके हैं पत्रकारिता के साथ। दुर्गेश एक चीज और, इस फैसले के असर व्यापक होंगे। क्यों व्यापक होंगे, क्योंकि हाई कोर्ट ने यह डिसीजन दिया है, अन्य किसी भी राज्य में या सुप्रीम कोर्ट चाहे तो इस जो फैसले को कंटिन्यू कर सकता है और अन्य राज्यों में भी फैसले लेने में सरलता होगी। इस हाई कोर्ट के फैसले की दलील दी जा सकती है क्योंकि ये एक परंपरा है और एक हाई कोर्ट डिसीजन दे देता है तो ऐसे ही डिसीजन का अनुकरण किया जाता है। देखिए निश्चित तौर पर, लेकिन फिलहाल ये आदेश मध्य प्रदेश के लिए तो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी पदों पर और मध्य प्रदेश में सभी सरकारी विभागों पर आरक्षण का विवाद लंबे समय से चलता आ रहा है। नीतीश, 27% आरक्षण का मसला अभी भी हाईकोर्ट में लंबित है, अभी भी उलझा हुआ है और इसके चलते सालों से भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पा रही है और फिर ऊपर से इस तरह के आदेश आ जाते हैं सरकार की तरफ से तो ये और उलझन पैदा करते हैं। तो निश्चित तौर पर ईडब्ल्यूएस के लिए जो उलझन अब थी वो अब लगभग सुलझा दी गई है और जो दर्शकों की उलझन थी वो गणितीय तरीके से दुर्गेश ने सुलझा दी है। तो दुर्गेश बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए, हमें बताने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आ जाइए छत्तीसगढ़ आते हैं, खेड़ा का बखेड़ा जो चल रहा है उसकी बात करना बेहद जरूरी है। क्यों, क्योंकि इस बखेड़े में आज बहुत कुछ हुआ है। छत्तीसगढ़ में 6 दिन पहले शुरू हुआ कांग्रेस का बखेड़ा बड़े सियासी ड्रामे के बाद अब खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही राधिका खेड़ा ने इस्तीफा देकर कांग्रेस से नाता तोड़ा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जमकर निशाना साधा। उसके बाद क्या था, उसके बाद दीपक वैज ने सफाई दी, फिर उसके बाद सुशील आनंद शुक्ला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बात चली गई मानहानि तक। रिपोर्ट देखिए, फिर रिपोर्टर का रुख करेंगे। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो मेरे साथ उस पल हुआ। राजधानी रायपुर में 6 दिन पहले हुआ कांग्रेस की राधिका खेड़ा विवाद कुछ इस तरीके से बाहर आया
कि 6 दिन की रस्साकसी के बाद कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने कांग्रेस से करीब 2 दशकों का नाता तोड़ लिया। खेड़ा ने कांग्रेस से इस्तीफा देकर कई गंभीर आरोप लगाए और कांग्रेस को राम विरोधी करार दिया, जबकि पूरे मामले पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने खुद पर लगे आरोपों को बेबुनियाद और निराधार बताया है। 30 तारीख की शाम के 6 बजे के आसपास की ये घटना है, जब मैं सुशील आनंद शुक्ला जी से बात करने गई तो उन्होंने मुझसे बदतमीजी करनी शुरू करी, मुझे गंदी गंदी गालियां देनी शुरू करी और ऐसी ऐसी गालियां जिनका मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसे कोई शब्द भी हो सकते हैं दुनिया में, और लगातार गंदी गंदी चीजें बोलने लग गए और चिल्लाने लग गए। तब मैं चिल्लाई, बहुत चिल्लाई, वहां पे बाहर लोग बैठे हुए थे और मैंने चिल्ला के ये भी कहा कि जाके नीचे से प्रदेश के महामंत्री को बुला के लाइए और लोगों को बुला के लाइए, लेकिन कोई नहीं हिला। राधिका खेड़ा जी ने मेरे ऊपर, मेरे सहयोगियों के ऊपर बहुत सारे आरोप लगाए हैं, मेरी चरित हत्या का भी प्रयास उन्होंने किया है। उनके द्वारा यह भी आरोप लगाया गया कि मेरे केबिन में उनके साथ मैंने, मेरे साथियों ने गाली गलौज किया। मैं इसका भी कड़ाई से खंडन करता हूं, हमारे द्वारा कोई गाली गलौज नहीं किया गया, केबिन में उनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ। खेड़ा के इस्तीफे के बाद से कांग्रेस बचाव की मुद्रा में आ गई है। खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने सुशील आनंद शुक्ला से खेड़ा का मत बचाव मनाते हुए मामले पर आलाकमान के फैसले की बात कही है। दोनों के बीच में, सुशील आनंद शुक्ला जी और दोनों के बीच में, ये अभी से नहीं, बहुत लंबे समय से छोटी छोटी बातों को लेकर आपस में मतभेदी थी दोनों के बीच में। लेकिन उस दिन थोड़ी सी कि पीसी अरेंजमेंट को लेकर, अपना अधिकार को लेकर कि ये मेरा अधिकार क्षेत्र है, मुझे करना चाहिए, थोड़ी सी बातों को लेकर बहस हुई, ये सच्चाई है। अब इस्तीफा देने के लिए तो हमने तो नहीं कहा उनको, वो तो उनकी मर्जी इस्तीफा दिए हैं, तो उनका व्यक्तिगत निर्णय है। राधिका खेड़ा के इस्तीफे के बाद से सियासत भी गरमाई हुई है। बीजेपी लगातार राधिका खेड़ा के समर्थन में खड़ी है, तो वहीं छत्तीसगढ़ बीजेपी के कद्दावर नेता अजय चंद्राकर से लेकर बीजेपी के सांसद संतोष पांडे ने भी कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस में उनको न्याय की आशा नहीं मिली, कमरे में बंद हो गई, डांट फटकार हो गई, अपमानित हो गई, आशा नहीं दिखी उसको न्याय की, और बड़े नेता नहीं चाहते थे कांग्रेसी कि राधिका खेड़ा जी के अपमान में कोई कार्यवाही हो, वो दोषियों के पक्ष में खड़े थे, इसलिए उनको मजबूरन में भाजपा की ओर आने का कदम उठाना पड़ा। महिलाओं को अपमानित करना कांग्रेस का नैतिक दायित्व है, और छत्तीसगढ़ में अपमानित हुई तो कांग्रेस का मैटर नहीं रहा, छत्तीसगढ़ का सर जो है शर्म से झुक गया कि छत्तीसगढ़ में महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होता था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा कहती है कि मुझे प्रदेश कांग्रेस कमेटी छत्तीसगढ़ के कार्यालय में बंद कर दिया गया और सुशील आनंद शुक्ला के साथ अन्य 2 प्रदेश प्रवक्ताओं ने अभद्रता के साथ व्यवहार किया, जो भूपेश बघेल के खास और ताकतवर माने जाते हैं। इनकी घटना, इनके ही मुख से जो बयान हुआ है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय जब ये कोरबा में रुकी थी तो यही सुशील आनंद शुक्ला उनसे उनका कमरा नंबर पूछते थे कि ये रुकी कहां है, आखिर ये क्या दर्शाता है? प्रदेश कांग्रेस कमेटी नहीं, ये कौरव कांग्रेस कमेटी है। राधिका खेड़ा के इस्तीफे के बाद से छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हलचल तेज है, क्योंकि 7 मई को 7 सीटों पर वोटिंग होनी है, तो वहीं बीजेपी उस पूरे मुद्दे को भुनाने की कोशिश में लगी हुई है। अब देखना होगा कि राधिका खेड़ा बीजेपी में आएंगी या फिर नारी सम्मान की जो उन्होंने बात कही है उसी दिशा में कोई और ही कदम उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी अनमोल जुड़ गए हैं, खबर में सीधा उनका रुख करेंगे। अनमोल, ये अब मानहानि तक बात पहुंच गई है, क्या काउंटर किया है सुशील आनंद शुक्ला ने और उनके सहयोगियों ने? देखिए,
देखिए नीतीश, लगातार राधिका खेड़ा जो है पिछले 4-5 दिनों से हमलावर थी कांग्रेस पर, और आखिरकार उन्होंने आज इस्तीफा देने के बाद जो खुलासा करने वाली थी वो खुलासा किया, और उसमें कई बातें सामने निकल कर आई, जिसमें मुख्य था कि उन्हें शराब परोसने की बात कही गई थी, उन्हें सुशील आनंद शुक्ला समेत 3 लोगों ने कमरे में बंद कर दिया था। इस तरीके के आरोप आने के बाद आज कांग्रेस का भी पीसी हुआ, उन्होंने भी कांग्रेस ने पलटवार किया, और सुशील आनंद शुक्ला ने साफ तौर पर कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मैं मानहानि के लिए केस उन पर करूंगा, क्योंकि हमारी जो है बात को लेकर उन्होंने तोड़ मरोड़ कर पेश किया, ऐसा कुछ बर्ताव हमने किया नहीं था। तो देखिए अब राजनीति गर्म हो गई है, सुशील आनंद शुक्ला हो, चाहे दीपक बैज हो, चाहे कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता हो, लगातार यही बात कह रहे हैं कि भाजपा के इशारे पर राधिका खेड़ा ये सब कुछ कर रही थी, क्योंकि अरविंदर सिंह लवली जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो जब इस्तीफा दिए थे तभी से जो है इनका मन भाजपा की ओर डोल रहा था, तो अचानक जो है इन्हें मौका मिला और इन्होंने ये सब कुछ किया है। तो देखिए ये पूरा जो वाक्य ठीक है, लेकिन मन डोलने का अभी तक आधार नहीं आया है कि राधिका खेड़ा ने कहां से टिकट मांगी, क्या कुछ हुआ, इस चीज का भी अभी तक आधार आया नहीं अनमोल। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं नितेश, कि आधार नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से उनका बयान सामने आया, स्टेटमेंट, वो हिंदू धर्म राम मंदिर का जिक्र करते हुए नजर आई है, वो उन्होंने साफ तौर पर कहा था अपने ट्वीट पे कि मैं अयोध्या चली गई थी, मैं राम लला के दर्शन कर ली थी। ठीक है, ठीक है अनमोल, बिल्कुल तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया, वक्त कम है और अहम खबरें उन पर जाना है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे चलेंगे और बात करेंगे, कांग्रेस ने रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट के लिए सीनियर ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति की है, उसी की पार्टी के लिए सबसे अहम माने जाने वाले इस सीट की जिम्मेदारी 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों को सौंपी गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल और राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत को ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है। बता दें कि रायबरेली गांधी परिवार की परंपरागत सीट है और रायबरेली से इस बार राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं अमेठी से पार्टी ने किशोरी लाल शर्मा को टिकट दिया है। सीनियर ऑब्जर्वर बनाए गए भूपेश बघेल ने भी छत्तीसगढ़ राज्य की राजनांदगांव लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था, कल 7 तारीख को महामतदान है, उसके बाद भूपेश बघेल यहीं पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए नजर आएंगे। उनकी सीट पर मतदान पूरा हो गया है। अशोक गहलोत इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, इसलिए वो जल्द से जल्द वहां तैनात होते हुए दिखाई देंगे। और इन तमाम मुद्दों पर जानकारी के लिए हम रुख करेंगे अपने सहयोगियों का, लेकिन उससे पहले वो ट्वीट देखिए जिसमें भूपेश बघेल ने इस भरोसे के लिए शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया है। उन्होंने लिखा है कि इस बड़ी जिम्मेदारी और भरोसे के लिए शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद। और ये जो रायबरेली के लिए उनको जिम्मेदारी सौंपी गई है वो भी आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जो लेटर AICC के द्वारा जारी किया गया है। तो भूपेश बघेल और अशोक गहलोत को रायबरेली और अमेठी पर जो सीट है इनके लिए ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया था। काफी कश्मकश के बाद इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी ने अपने प्रत्याशी घोषित किए थे, उसके बाद शक्ति प्रदर्शन करते हुए राहुल गांधी ने पर्चा जमा किया था, और पर्चा जमा करने के बाद से ही लगातार इन 2 सीटों को लेकर सियासत भी तेज हो रही है। और भूपेश बघेल को जिम्मेदारी सौंपी गई है ऑब्जर्वर के रूप में रायबरेली सीट की, तो वहीं अमेठी के लिए अशोक गहलोत को। रोहित हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रोहित, भूपेश बघेल को रायबरेली सीट का ऑब्जर्वर नियुक्त किया गया है, उन्होंने धन्यवाद भी जताया है, क्या है उनके मोर्चे को संभालने की कब से खबरें हैं, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए भूपेश बघेल को उस सीट पर भेजा गया है जहां पर कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक विरासत छिपी है, और इस बार वहां से कैंडिडेट कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व यानी कि राहुल गांधी है, और उन राहुल गांधी के सारथी बनने के लिए भूपेश बघेल 2 दिनों बाद यहां से रवाना होंगे। कल जो है वो यहाँ पर चुनाव होने वाला है, 3रे चरण का मतदान है, इस मतदान को सम्पन्न कराने के बाद में वो प्रियंका गांधी का साथ देते हुए और ऑब्जर्वर के रूप में काम करते हुए जो है वो नजर आने वाले हैं। और प्रियंका गांधी की बात करें तो वो आज ही जो है वो रायबरेली के लिए निकल रही हैं, उनके साथ ही भूपेश बघेल भी पहुंचेंगे, जिसके बाद में राहुल गांधी को जिताना है, किस प्रकार से जिताना है और रायबरेली में एक बार फिर से कांग्रेस का कैंडिडेट जीत कर आए,
इसको लेकर प्लानिंग की जाएगी, इसको लेकर मंथन किया जाएगा और लोगों के बीच में कैसा पहुंचा जाए, प्रचार कैसा किया जाए, वो तमाम चीज़ों को लेकर किया जाएगा। और भूपेश बघेल के राजनीतिक कद के लिए भी ये बड़ी खबर है, क्योंकि जो देश के सबसे हाई प्रोफाइल सीट और चर्चित सीट से उनको ऑब्जर्वर की नियुक्ति की गई है। चैलेंज तो है ही, बड़ी जिम्मेदारी है, चुनौती है। और भूपेश बघेल की चुनौती जिस तरह से राजनांदगांव में थी प्रत्याशी के रूप में, अब राहुल गांधी की चुनौती को कैसे वो कर पाते हैं, उनकी चुनौती से पार लगा पाते हैं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। बेहद महत्वपूर्ण खबर आ रही है इस वक्त छत्तीसगढ़ से, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, टीवी स्क्रीन पर देखिए आप, ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं, जहां रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं जग्गी हत्याकांड को लेकर। जग्गी हत्याकांड के 3 आरोपियों ने सरेंडर कर दिया है, राजू भदौरिया, धर्मेंद्र और रवि सिंह ने सरेंडर किया है। मामले में अब तक 10 आरोपी सरेंडर कर चुके हैं, 10 आरोपी अब तक सरेंडर कर चुके हैं। तो जग्गी हत्याकांड से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार आरोपी सरेंडर कर रहे हैं और राजू भदौरिया, धर्मेंद्र इत्यादि ने भी सरेंडर कर दिया है, 10 आरोपियों ने अभी तक सरेंडर कर दिया है। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 3 और आरोपियों ने, रवि सिंह, धर्मेंद्र, राजू भदौरिया ने सरेंडर कर दिया है और अब तक इस मामले में 10 आरोपियों ने सरेंडर कर दिया है। रोहित ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रोहित, जग्गी हत्याकांड में सरेंडर हो गया है 3 और लोगों का, अभी कितने लोग सरेंडर के लिए बाकी हैं, जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए नितेश, 27 लोगों को इस पे आरोपी बनाया गया था और उन 27 लोगों पे कुल अब तक 10 लोगों ने जो है वो सरेंडर कर दिया है। इस पे कई बड़े नाम जो है वो शामिल है, शार्प शूटर का भी नाम शामिल था, वो भी सरेंडर कर चुके हैं। इसके अलावा याया ढेबर, जाज ढेबर के भाई, उनका नाम शामिल था, वो भी सरेंडर इसके पहले कर चुके हैं। और आज 3 लोगों ने, यानी कि राजू भदौरिया, धर्मेंद्र और रवि सिंह ने सरेंडर कर दिया है। और 2004 में ये घटना घटी थी, उस समय तत्कालीन NCP के नेता राम अवतार जग्गी की हत्या कर दी गई थी और इस षड्यंत्र पे लगभग 30 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसपे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद 27 लोगों पर मुकाबला जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया और दर्ज करने के बाद में कार्रवाई की जा रही थी। और हाल ही में लगभग 6 महीने पहले उनके जो तमाम लोग हैं उनकी जो है वो जमानत याचिका है वो खारिज कर दी गई थी और कोर्ट में सरेंडर होने को कहा गया था, समय भी दिया गया था, जिसके समय को देखते हुए तमाम आरोपी अब सरेंडर हो रहे हैं और 17 लोग अभी बाकी है, 17 लोगों के सरेंडर होने की खबर जल्द सुनाई दे सकती है। तो लगातार एक्शन, हत्याकांड के 3 और प्रमुख सरगनों को पकड़ लिया गया है, उन्होंने सरेंडर कर दिया गया है और इन्हें हवालात के पीछे भेजा जा रहा है। अहम जानकारी के लिए रोहित आपका बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। आपका शहर आपके रिपोर्टर, वक्त हो चुका है आगे बढ़ने का और अहम खबरों का रुख करने का। आज के आधुनिक युग में आज भी कई ऐसे गांव हैं जो मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, उनके मूलभूत सुविधाओं के इंतजाम के लिए ना तो प्रशासन आगे आ रहा है ना ही सरकार। इन्हीं में से एक है सरगुजा लोकसभा सीट से लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र का लवई डीह का बरपा, जहां के लोग लगभग 46 सालों से प्रशासनिक उदासीनता का दंश झेल रहे हैं। यहां के निवासियों को डैम पार करने के लिए नाव और ट्यूब का सहारा लेना पड़ता है, ऐसी स्थिति में कई बार हादसा भी हो चुका है। यहां के लगभग 50 घर के छोटे बच्चों को हर दिन स्कूल आने जाने के लिए नाव और ट्यूब का सहारा लेना पड़ता है। उनका दर्द सुनिए, उनकी समस्या, उनकी चीख और उनकी पुकार सुनिए, फिर आगे रुख करेंगे। हम लोगों का सबसे बड़ी समस्या तो पुल है, जब तक पुल नहीं बनेगा तब तक हम वोट नहीं देंगे। चिंतामणि महाराज कांग्रेस में आए, बीजेपी में आए, ये दल बदल का खेल खेल रहा है और इसके बावजूद भी नहीं हो पा रहा है हम लोगों का पुल। लोगों का मांग है, हम लोगों के लिए पुलिया चाहिए, जय ठू नेता आते हैं बना देंगे बोलते हैं। उस बार चिंतामणि आया था, पानी में घुस के शपथ लिया था, पानी में घुस के कि मैं पुलिया नहीं बनाऊंगा तो मैं नेता नहीं वो करूंगा बोल के बोले थे, तो कहाँ बनाए पुलिया, आज तक बना भी नहीं गए। कई तो बाल बच्चे लोग डूब जा रहे हैं, हम लोगों का बैल बकरी गरु सब लाने में बहुत दिक्कत हो रहा है इस पार से उस पार से, हम लोग बहुत परेशानी में हैं। हम लोगों का इतना ही गुजारिश है कि हम लोगों का पुलिया बन जाइए, वही में हम लोग खुश हैं। देखिए, मैं तो वह यहाँ विधायक था, इसके बाद दूसरा बार मैं सामरी का विधायक बना, तो यहाँ क्या हुआ नहीं हुआ ये तो जो वर्तमान विधायक है वो उस पर बता पाएंगे, उस पर मेरे को जानकारी नहीं है, क्योंकि यहाँ एक कार्यकाल के बाद मैं सामरी चला गया।
उसमें तो शासन की तरफ से आश्वासन भी मिला था कि यहाँ पर पुलिया बन जाएगा। अब इसके बाद जब दूसरा कार्यकाल में जो विधायक रहे वो कितना ध्यान दिए ये मैं नहीं कह सकता। दिलीप जायसवाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दिलीप, पानी के अंदर घुसकर चिंतामणि महाराज ने कमिटमेंट दी थी और अब उस कमिटमेंट का तो कुछ हुआ ही नहीं, और प्रशासनिक उदासीनता भी ऐसी है कि चिंतामणि महाराज ने उस वक्त जो संज्ञान लिया था उन्हें भी याद नहीं आया, जो अधिकारी थे वो भी जिम्मेदार सोते रहे, 46 साल हो गए। देखिए, जो लवईडी गांव है यहाँ के लोग पिछले 47-48 साल से परेशान है इसी नदी की वजह से, क्योंकि नदी में पुल नहीं है। और लोगों का साफ कहना है कि जब चिंतामणि क्षेत्र के विधायक थे, जो अभी बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवार है, उनका कहना है कि अगर उन्होंने हमारी मांग पूरी नहीं तो अब हम आखिर किस मुंह से हम उसको वोट दें, और वोट देने ही अक्षम क्यों जाएं, क्योंकि इतने सालों बाद कई राजनीतिक दल के लोग हमारे पास आते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि आपका पुल बन जाएगा, लेकिन वो पुल आज तक नहीं बना, इसके वजह से वो खेती करने के लिए पूरी तरफ नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। ये तस्वीर झकझोर कर रखने वाली है, माफी चाहता हूं दिलीप, आपको रोक रहा हूं। और जब आपने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तब उन्होंने बात तक करने से मना कर दिया। ये मैसेज जाना चाहिए प्रदेश के मुख्यमंत्री तक, क्योंकि वो खुद संजीदा है इन सभी चीजों को लेकर। ये मैसेज जाना चाहिए कि अधिकारियों से जब विस्तार न्यूज ने बात करने की कोशिश की तो वो बचते हुए नजर आए, जो चिंतामणि महाराज ने से उन्होंने मिलकर वादा किया था वो वादे से मुकरते हुए नजर आए। बिल्कुल, अधिकारियों से हमने बात करने की कोशिश की, आज अपर कलेक्टर हैं, जो एसडीएम हैं, कलेक्टर हैं, उनसे हमने बात करने की कोशिश की, उन्होंने कैमरा देखते ही साफ कह दिया कि हम इस मामले में कुछ भी नहीं बोलेंगे। इससे साफ समझ आता है कि आखिर जो अधिकारी हैं वो भी कितने संवेदनशील हैं, जबकि वो लोग वहां पे वोट का बहिष्कार। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने दिलीप, बिल्कुल सही कहा, समझ में आता है कि अधिकारी कितने उदासीन है। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अपनी अच्छी शैली के लिए, प्रशासनिक शैली के लिए जाने जाते हैं। उम्मीद है कि इस खबर को देखने के बाद संज्ञान लिया जाएगा और इन्हें इनकी मूलभूत सुविधाओं से मुख्यमंत्री जी जरूर अवगत कराएंगे और इन्हें वो जल्द से जल्द मुहैया कराएंगे। जब चुनाव कराने के जिम्मेदार पुलिस वाले ही ड्यूटी के दौरान सट्टा खेलने लगे तो आप क्या करेंगे? आप उन पर सवाल तो उठाएंगे ना। ये मामला आया है बिलासपुर से, जहां ड्यूटी के दौरान तैनात पुलिस वाले जुआ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखिए। बिलासपुर जिले के कोनी स्थित शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के स्ट्रांग रूम में के बाहर का ये आलम है, और ये कुकृत्य करते हुए खाकी वर्दी को भी इन्होंने नहीं छोड़ा, और खाकी वर्दी में ये सब कुछ करते हुए नजर आए। दोनों का नाम कमलेश सूर्यवंशी है और अविनाश चंदेल है। ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख करेंगे और सीधा जानेंगे कि कैसे क्या कुछ हुआ। ये हाथों पर नोट देखिए, ये चलती हुई ताश की गड्डियां देखिए, ये जुआ देखिए और ये मंजर देखिए। और हमारे सहयोगी आशीष दुबे सीधा जुड़ गए बिलासपुर से। आशीष, इतना 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 सुंदर नजारा है कि इन दोनों को इनाम तो प्रशासन ने दे ही दिया होगा, कि अभी तक बाकी है इनको पुरस्कृत करना कि स्ट्रांग रूम के बाहर ऐसा कृत्य किया जा रहा है। जी हां नीतेश, इस मामले में दो आरक्षकों को सस्पेंड कर दिया गया है। बिलासपुर के एसपी रजनेश सिंह ने यह कार्रवाई की है। रजनेश सिंह पहले भी गंभीर थे ऐसे मामलों में, लेकिन मैं नीतेश आपको एक बात बताना चाहूँगा कि बिलासपुर की पुलिस को कुछ तो हो गया है, जिस तरह ये स्ट्रांग रूम के बाहर जुआ। और फिलहाल हम जिस थाने में मौजूद हैं, जिस सरकंडा थाने में, वहाँ चार दिन पहले एक हवलदार की खुदकुशी, लखनलाल मेश्राम जो आदिवासी हवलदार हैं, ये दोनों मामलों ने बिलासपुर में पुलिस महकमे की जो व्यवस्था है उसकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस तरह से कल मतदान होना है, लोकसभा चुनाव का सबसे बड़ा चुनाव, सबसे महापर्व जिसे हम कहते हैं, और इस महापर्व के दौरान जो है स्ट्रांग रूम के बाहर जहां कल मतदान शुरू होना ये, है, ये ढेर की संख्या में नजर आ रहे हैं। वहां ऐसे गड्डियां ले जाई जा रही हैं, पैसे लगाए जा रहे हैं और कोई खौफ नहीं है, खुशी खुशी उमंग नजर आ रहा है। बिल्कुल, आप उनके चेहरे पे देख सकते हैं कि उन्हें किसी का डर नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिलासपुर पुलिस ने सिर्फ दो आरक्षकों को सस्पेंड करने की कार्रवाई की है, जबकि वहां आप देखेंगे दर्जनों पुलिस वाले हैं। दर्जनों पुलिस वाले थे, एग्जैक्टली मैं इसी पॉइंट में आना चाहता था आशीष, की कार्रवाई दो पर क्यों? क्या यह सिर्फ औपचारिकता है या फिर कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है?
बिल्कुल नीतीश, ये सिर्फ एक औपचारिकता है इस बात को लेकर कि मामला ठंडा पड़ जाए। मैं आपको एक जानकारी इसमें और बताना चाहता हूँ कि जो पत्रकार वहाँ ये वीडियो बनाने गया था उस पर पत्थर भी फेंके गए हैं। हालांकि मैं अभी उस संस्थान और उस मीडिया का नाम इसलिए नहीं लूँगा क्योंकि फिलहाल शिकायत उसकी नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से पुलिस के हौसले बुलंद है कि गलत काम करना, जिस जुए पर उनकी कार्रवाई करनी चाहिए वो खुद खेलना और उसके बाद जिस तरह से आशीष, लेकिन ये आपका अपना चैनल विस्तार न्यूज है, दर्शकों का, बिलासपुर की आवाम इस वीडियो को देखेगी और दूर दूर तक ये वीडियो जाएगा और जो कृत्य किया गया है, जो पर्दा डालने की कोशिश की गई है, वो सब कुछ भी बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आपके शहर आपके रिपोर्टर में अगले शहर का रुख कर लेते हैं, अगली खबर आपको बताते हैं जिसमें विस्तार न्यूज की खबर का असर है, आपके अपने चैनल की खबर का असर है। सख्ती से खबर बता रहे हैं जहां गोमती देवी हॉस्पिटल के कमोड में नवजात बच्ची के मिलने से मामले में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। विस्तार न्यूज की खबर को दिखाए जाने के बाद कलेक्टर ने मामले का संज्ञान लिया है। कलेक्टर के निर्देश पर सीएमएचओ ने जांच टीम गठित की है। गठित जांच टीम गोमती देवी अस्पताल जांच करने के लिए पहुंची। जांच टीम को देखकर गोमती देवी अस्पताल के संरक्षक जो चिकित्सक हैं, स्टाफ है, छिपने लगे। जांच के टीम के द्वारा सवाल करने पर चिकित्सक विवाद तक करने के लिए उतर गए। 3 घंटे तक चली इस जांच में कई तरह की खामियां देखने को मिली हैं। हुआ क्या था, एक अविवाहिता थी, उसने बच्ची को कमोड पर डाल दिया था और बाद में ये जब खुलासा हुआ था तो हॉस्पिटल प्रबंधन पर्दा डालते हुए भी नजर आया था, तो हॉस्पिटल की भूमिका संदिग्ध नजर आई है। प्रबंधन में हमने सारे डॉक्यूमेंट्स के फोटोकॉपी ले लिए हैं, सारा हमने डिटेल जांच किया है, हमने हॉस्पिटल इंचार्ज डॉक्टर ड्यूटी नर्स सबके रिकॉर्ड हमने ले लिए हैं और बाकी हम अपनी जांच की रिपोर्ट फाइनल बना के देंगे। परदेशी खूटे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। परदेशी, क्या हुआ, क्या अभी भी पर्दा डालने की अस्पताल प्रबंधन कोशिश कुछ कर रहा है, जांच रिपोर्ट में कुछ ऐसा है जो संदिग्ध है? परदेशी, कोई जानकारी? जी, शक्ति में संचालित गोमती देवी हॉस्पिटल में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया। मामला था। बिल्कुल मामला बता दिया परदेशी, सब कुछ। अभी जांच रिपोर्ट की बात करिए और ये जो दुर्व्यवहार किया है अस्पताल प्रबंधन ने, जरा इसे भी बताइए। कलेक्टर की जो टीम है उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ ना खूटे? जी, आपको बता दूं, विस्तार न्यूज में खबर दिखाए जाने के बाद जो है कलेक्टर ने सीएमएचओ को जांच के लिए निर्देश दिए थे। जांच टीम जो मौके पर पहुंची थी गोमती देवी हॉस्पिटल, तो शुरुआत में तो हॉस्पिटल प्रबंधक द्वारा जांच टीम के साथ दुर्व्यवहार किया गया। उसके बाद जब दबावपूर्ण जांच टीम द्वारा पूछताछ की गई तो फिर पूरा काला चिट्ठा जो है हॉस्पिटल का सामने आने लगा। फिलहाल जांच टीम द्वारा जांच रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपने की बात कही गई है। इसमें कुछ भी अभी स्पष्टता मीडिया को नहीं है, लेकिन जांच रिपोर्ट का हमें इंतजार है और जो दुर्व्यवहार हुआ वो भी हम खबर बता रहे हैं। खूटे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। नीट की परीक्षा, डॉक्टर बनना सपना होता है। जब भी 12वीं का छात्र 12वीं से निकलता है, अभ्यर्थी डॉक्टर बनना चाहता है और बड़ी तैयारी करके जाता है, लेकिन नीट परीक्षा के दौरान दंतेवाड़ा के पीजी कॉलेज में बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक और ऐसी खबर बता रहे हैं जो जन सरोकार से जुड़ी हुई है। पीजी कॉलेज दंतेवाड़ा में कल नीट की परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें दंतेवाड़ा पीजी कॉलेज प्रबंधन ने नीट की परीक्षा में भारी लापरवाही बरतते हुए हिंदी मीडियम के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पेपर दिया है और जब अभ्यर्थियों ने इसका विरोध किया तो 45 मिनट के बाद हिंदी मीडियम का पेपर अभ्यर्थियों को दिया गया और इसके बाद पेपर हल करने के लिए अभ्यर्थियों को अतिरिक्त समय भी नहीं दिया गया। इसके चलते नीट की परीक्षा देने वाले बच्चों का समय खराब हुआ, उनका जो सपना था वो भी भंग होता हुआ नजर आ रहा है। नीट की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों ने पर्यवेक्षक पर लापरवाही का आरोप लगाया है और मीडिया को सच्चाई बताई। एग्जाम हुआ, उसमें मेरा मीडियम था हिंदी और मेरे को इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन दिया गया। जब मैं ये कंप्लेंट को दर्ज करवाया तो वहाँ के जो पर्यवेक्षक थे वो लोग 45 मिनट बाद मेरे को क्वेश्चन पेपर हिंदी मीडियम का क्वेश्चन पेपर दिया गया और कहा गया कि आप लोगों को अतिरिक्त समय दिया जाएगा करके, लेकिन जो बाद में नहीं दिया गया। आज उसी के विषय में जैसे हम लोग कलेक्टर सर से मिलने आ गए तो कलेक्टर सर ने कहा इसके ऊपर मैं जल्द से जल्द कार्रवाई करूँगा और आप लोगों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए बच्चे जल्द ही जल्द कार्रवाई कर दूँगा। संजय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। इनको, छात्र को जो आप देख रहे थे, इनके पीछे है छत्तीसगढ़ महतारी और ये छत्तीसगढ़ के महतारी के बेटे की आवाज है और विस्तार न्यूज हर आवाज को वहां तक पहुंचाएगा जहां तक जिम्मेदार है। संजय, इस बच्चे को 45 मिनट देर उसके माध्यम से पेपर मिला, ये बिल्कुल भी सही नहीं है और इसके लिए अभी तक प्रबंधन ने कुछ नहीं किया।
नितेश, दंतेवाड़ा पिछड़ा इलाका है। हम पिछले साल तक ये खबर बनाते आए हैं कि दंतेवाड़ा से कभी 10, कभी 20, कभी 50 बच्चे जो है वो नीट जेई जैसे परीक्षाओं में सफल होते आए हैं। सरकार वहाँ पर इन इलाकों में जागरूकता लाने, पढ़ाई का दर्जा बढ़ाने जो है वहाँ फ्री कोचिंग क्लासेस चला रही है। ऐसे में इतनी बड़ी लापरवाही होना, एक बच्चा जो हिंदी मीडियम से तैयारी कर रहा था उसे पकड़ा दिया गया अंग्रेजी मीडियम का पेपर, और इसके बाद क्या हुआ, 45 मिनट बाद जो है आपने इस गलती को सुधारा, लेकिन उस बच्चे को 45 मिनट का एक्स्ट्रा समय नहीं दिया गया। हम आप सभी छात्र रह चुके हैं, हम आप सभी इस दौर से गुजर चुके हैं, हम समझ सकते हैं उस बच्चे के दिल पर अभी क्या गुजर रही होगी, जिस बच्चे ने साल भर तैयारी की एग्ज़ाम की और इसके बाद जब उसे एग्ज़ाम के पेपर मिलता है तो वहाँ इतनी बड़ी लापरवाही सामने आती है। हालांकि कलेक्टर ने आश्वासन दिया है कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन उस बच्चे का हो सकता है पूरा का पूरा एक साल ही खराब हो जाए। बिल्कुल संजय, सही कहा आपने, लेकिन विस्तार न्यूज इस खबर को उठाता है तो उम्मीद है कि कलेक्टर, प्रशासन, प्रबंधन संजय की इस खबर को देखने के बाद जागेगा और उसके लिए कुछ व्यवस्था की जाएगी आगामी चरण के जो भी पेपर होंगे। संजय, इस बेहद महत्वपूर्ण जानकारी के लिए शुक्रिया, और लास्ट में कह देना चाहूंगा कि अच्छे लग रहे हैं आप इस टी शर्ट में। आगे बढ़ेंगे और चलेंगे मध्यप्रदेश। मध्यप्रदेश चलते तो थोड़ा हंसते मुस्कुराते हुए चल लेते हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने आज अलीराजपुर जिले के जोबट में जनसभा को संबोधित किया। यहां उन्होंने रतलाम लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया के समर्थन में चुनाव प्रचार करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। क्या साधा, जरा वो देख लीजिए, फिर आगे बात करेंगे खरगोन की। जो भी आज आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को मिलता है वो इसके कारण मिलता है, और बीजेपी के नेताओं ने साफ बोल दिया है कि अगर वो चुनाव जीतेंगे तो वो इस किताब को बदल के परे कर देंगे। इसलिए उन्होंने 400 सीट का नारा दिया था। 400 सीट छोड़िए, उनको 150 सीट नहीं मिलने वाली है। उनके अलग अलग नेता कहते हैं कि हम रिजर्वेशन छीन लेंगे। रिजर्वेशन किससे छीनेंगे? आदिवासियों से, दलितों से, पिछड़े वर्ग से, इन लोगों से रिजर्वेशन छीना जाएगा। और मैं आपको स्टेज से कहना चाहता हूं, रिजर्वेशन को छीनने की बात छोड़िए, हम रिजर्वेशन को 50% से आगे बढ़ाने वाले हैं। तो ये आप सुन रहे थे राहुल गांधी को रतलाम में। आगे क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी कि 7 मई को खरगोन के नवग्रह मैदान में आम सभा को संबोधित करने वाले हैं। राहुल आज 6 तारीख को अलीराजपुर के बाद खरगोन के लोकसभा क्षेत्र के सेगांव पहुंचे थे, यहां वो संबोधन करके जा चुके हैं। उन्होंने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया है, जरा सुनिए उसे। पिछले 10 सालों में नरेंद्र मोदी जी ने आपको बेरोजगारी दी, यहां से आदिवासी युवा प्लान करते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। उन्होंने आपका कर्जा कभी माफ नहीं किया, किसानों को सही दाम नहीं दिया, महिलाओं की मदद नहीं की, मगर हिंदुस्तान के 22 सबसे अमीर लोगों का उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है, आप सोचिए। तो रतलाम के बाद आप सुन रहे थे खरगोन में राहुल गांधी का यह हमला। राहुल गांधी मध्य प्रदेश का यह तीसरा दौरा कर रहे थे। इससे पहले वो 8 अप्रैल को शहडोल और 30 अप्रैल को भिंड में गए थे। 8 अप्रैल को जब वो महुआ बीनने लगे थे, हमने दिखाया था आपको, भिंड में जब वो पहुंचे थे तब भी दिखाया था और अब भी दिखा रहे हैं, क्योंकि विस्तार न्यूज सबसे आगे सबसे तेज। हमारे सहयोगी विवेक पांडे जुड़ेंगे और तमाम जानकारी साझा करेंगे। विवेक, राहुल गांधी हमलावर है, संविधान विधान की बात कर रहे हैं, और रतलाम में जहां वो पहुंचे, कांतिलाल भूरिया बहुत लंबे पहले सांसद थे और 4 बार से बीजेपी का कब्जा है, क्या इस बार लग रहा है इन रणनीतियों के तहत सफलता मिलेगी? नितेश, देखिए रतलाम झाबुआ की जो सीट है, लोकसभा सीट है, उस पर अलीराजपुर और जो जोबट का इलाका है ये पूरा आदिवासी बेल्ट से घिरा हुआ है, और यहाँ पे आदिवासी के साथ साथ दलित वर्ग का ज़्यादा दबदबा है, और ये कहा जाता है जिस तरफ आदिवासी होते हैं झाबुआ रतलाम सीट उसी के
खेमे में होती है, और पिछले बार देखा गया कि पिछले 3 से 4 सालों में ये बीजेपी का गढ़ रहा, यहाँ से कई बीजेपी के सांसद जीते, और अब फिर से कांतिलाल भूरिया को यहाँ से टिकट दिया गया है। भूरिया के सामने चुनौती है कि बीजेपी ने जब अपना 400 का लक्ष्य रखा है तो ऐसे में भूरिया अपनी सीट कैसे बचा पाते हैं। राहुल गांधी भी दौरे में यही कह रहे थे कि बीजेपी 400 कह रही है लेकिन 150 से ज़्यादा सीटें बीजेपी की नहीं आएगी, और जहाँ तक आदिवासियों का बात है तो आदिवासियों को लेकर ये कह चुके कि रिजर्वेशन की बात हो या फिर जमीन की बात हो कि आदिवासियों को दिया गया जमीन बीजेपी के नेता छीनना चाहते हैं, तो ये एक आदिवासियों के सेंटिमेंट से जुड़ा हुआ मुद्दा है क्योंकि जन जंगल जमीन ये आदिवासियों के इर्द गिर्द रहा है और आदिवासी इन्हीं तीनों जन जंगल जमीन के इर्द गिर्द रहते हैं। और ऐसे में राहुल गांधी की बात, जल जंगल जमीन की बात है, मैं थोड़ा सा करेक्शन भी करूंगा, 98-99-4-9-4 चुनाव कांतिलाल भूरिया जीते, फिर उसके बाद 15 में उपचुनाव हुआ था, 15 में क्यों हुआ था, दिलीप सिंह भूरिया के बाद यहां उपचुनाव हुए थे, फिर कांतिलाल जीते थे, लेकिन 19 में जो है फिर बीजेपी ने कब्जा कर लिया था। तो एक चीज तो यह हो गई कि कांतिलाल भूरिया बड़ी शख्सियत हैं और राहुल गांधी पहुंचे हैं, और दूसरा खरगोन की अगर बात करें तो यहां पीएम मोदी पहुंच रहे हैं, और पिछले विधानसभा चुनाव के परिणामों की बात करें तो जहां भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा सा बढ़त बनाई है, आगे बढ़ी है, और प्रधानमंत्री के खरगोन आने के क्या मायने हैं, क्यों जरूरी है? देखिए, मध्य प्रदेश में करीब 60% से जो लोकसभा सीटें हो या फिर विधानसभा सीटें हैं ये आदिवासी दलित बाहुल्य सीट है, और पिछले विधानसभा की बात की जाए तो कांग्रेस को आदिवासी सीटों से काफ़ी ज़्यादा फायदा मिला है, और जब बाकी अन्य क्षेत्रों की बात कर ली जाती है तो यहाँ कांग्रेस का दबदबा धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और जब प्रधानमंत्री आने वाले हैं खरगोन में तो खरगोन में भी प्रधानमंत्री आदिवासियों के बीच में ही रहेंगे और तमाम सारी आदिवासियों के लिए किए गए 10 साल के कामकाज का ब्यौरा देंगे, और राहुल गांधी तो अक्सर उनके निशाने में रहते हैं, सहजादे से लेकर तमाम सारी बातें प्रधानमंत्री अपनी सभाओं में कह चुके हैं, लेकिन आज जो एक बात राहुल गांधी ने कही है कि बीजेपी की सरकार आती है तो आदिवासियों की जमीन छीन ली जाएगी, आरक्षण और तमाम मुद्दों को लेकर हमने बोला है। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया, महत्वपूर्ण है। 8 सीटों में 5 कांग्रेस के पास और 3 बीजेपी के पास है, और प्रधानमंत्री वहीं जा रहे हैं जहां उनके कवच की जरूरत है, उसके प्रत्याशी को पड़ रही, उनके प्रत्याशी को। जनता जनार्दन जिंदाबाद, क्योंकि कल लोकतंत्र है और आप वोट के लिए निकलिए, आप कोई जिंदाबाद है कह देते। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे तीसरे चरण के लिए, पार्टी के लोग भी प्रयास कर रहे हैं कि मतदान कैसे बढ़े। लोकसभा चुनाव को लेकर तीसरे चरण का मतदान कल होना है, भारतीय जनता पार्टी एक्टिव है, बीजेपी के भोपाल हेडक्वार्टर से 9 सीटों पर मतदान की निगरानी की जाएगी, तो वहीं बूथ प्रभारी पन्ना प्रभारियों को भी एक्टिव रहने के निर्देश दिए गए, इन सभी को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। यही नहीं, पार्षद, वार्ड कार्यकर्ता और स्थानीय विधायकों को भी ज्यादा से ज्यादा वोटिंग कराने का टारगेट दिया गया है। इन सभी गतिविधियों की निगरानी बीजेपी के दिग्गज नेता मुख्यालय से रखेंगे। कुल मिलाकर सुबह 7 से लेकर मतदान खत्म होने तक 9 सीटों पर मतदान प्रतिशत को लेकर भाजपा संगठन हाई अलर्ट है, और अपील के साथ मैं अपने सहयोगी के साथ जुड़ूंगा श्याम सिंह तोमर के साथ, और सीधा उनका रुख करेंगे। श्याम जी, कैसे कैसे मॉनिटरिंग होगी, कौन मॉनिटर्स होंगे, कैसे पन्ना प्रभारियों को निर्देश दिया गया है, और इसका कितना फर्क पड़ेगा, 10% मतदान घटने की चिंता से उबर पाएगा प्रदेश? देखिए, अमित शाह ने जो निर्देश दिए थे उसके लिए लंबी जो एक्सरसाइज की गई हैं, और एक्सरसाइज करने के बाद ये सुनिश्चित किया गया है कि पार्टी जो है मतदाताओं को किस तरह से जोड़ेगी। अब इसके बाद आगे की तैयारी ये है कि आज बड़ी बैठक आयोजित की गई थी भोपाल मुख्यालय पर, और यहाँ पर जो है खुद वीडी शर्मा बैठे थे, इसके अलावा जो चुनाव प्रबंधन कमेटी है वो उसके जो है सदस्य भी बैठे थे। उनके साथ तय किया गया है कि हमारा जो वॉर रूम है उससे सतत निगरानी की जाएगी, और निगरानी के साथ साथ में जैसे ही कहीं से कोई ऐसा इनपुट आता है कि मतदाता नहीं पहुंच रहे हैं, वहां तत्काल स्थानीय कार्यकर्ताओं को जुटाया जाएगा। स्थानीय कार्यकर्ता उनको खुद प्रेरित करेंगे कि चलिए वोट करिए। बिल्कुल, तो ये पहल अलग तरीके की अनूठी दिखाई दे रही है, लेकिन इस पहल की जरूरत बीजेपी को क्यों पड़ रही है, ये भी बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है। श्याम जी, क्या कुछ ऐसे इनपुट कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अति उत्साह में है, या जो मतदाता है वो निश्चिंत हो गया है, ऐसी भी खबरें आई हैं? नितेश, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हुआ ये कि जब पहला और दूसरा चरण हुआ तो मोदी का चेहरा, और ये मान लिया गया कि कार्यकर्ता ये समझा कि जब मोदी का चेहरा है तो हम जाएं ना जाएं क्या फ़र्क पड़ता है, बस यहीं से जो है गड़बड़ी शुरू हो गई। ऐसे में कार्यकर्ता को जुटाना बेहद ज़रूरी था कि स्थानीय स्तर पर तो कार्यकर्ता लोगों को जानेगा ना,
लोगों को वही आगे पहुंचाएगा ना। तो इस गैप को अब फिल किया गया है कि अब कार्यकर्ता को सक्रिय किया गया है, उनकी मॉनिटरिंग के लिए पार्षदों को रखा गया है, विधायकों को रखा गया है, मंत्री उनके ऊपर रहने वाले हैं और फिर प्रदेश संगठन रहने वाला है, यानी सभी अलाइन है। अब वो जो गलती उससे सबक ले लिया गया है, ले लिया गया है। और कल श्याम जी बताएंगे कि इसकी मॉनिटरिंग का कितना प्रभाव पड़ा है। श्याम जी, बहुत महत्वपूर्ण खबर के लिए, जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब देख लिया आपने, रायपुर देख लिया, खरगोन देख लिया, भोपाल देख लिया, तो फिर मुरैना भी चल लीजिए, ग्वालियर चंबल अंचल भी जरूरी है। मुरैना जिले में लोगों ने मतदान का बहिष्कार करने का ऐलान किया है। मुरैना जिले के एक गांव की घटना है ये, कहां की, सेंथरी की। तीन मांगों को लेकर मतदान का बहिष्कार इनके द्वारा किया गया है। लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं के साथ, स्कूल नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ बहिष्कार की बात कही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि कई बार सरपंच से शिकायत करने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई है। लोगों का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई के लिए ना तो स्कूल है और ना ही कोई अन्य सुविधा है। चुनाव का बहिष्कार करने का मतलब, हमारा मकसद, मेन मकसद, कि यहाँ से हमारे ये जो पोलिंग बूथ है, वोट डालने के लिए जाते हैं तो 3.5 और 4 किलोमीटर की दूरी है, तो महिलाओं को होने वाली दिक्कत और पुरुषों को होने वाली दिक्कत, सभी वोटरों को होने वाली दिक्कत, मेन कारण रोड। दूसरी समस्या के हरिगानपुरा और कटेलापुरा दोनों गांव के बच्चे अनपढ़ रह जा रहे हैं क्योंकि कोई स्कूल नहीं है। हमारा मेन मुद्दा है, यहां से अपना 3 किलोमीटर का टुकड़ा है छोटपरा रोड से, तो 15-20 साल से हमने सभी के लिए वोट दिया, सभी सांसद बने, मिनिस्टर बने, विधायक बने, लेकिन किसी ने आज तक पलट कर नहीं देखा, अपना मतलब लेकर निकलाया, लेकिन किसी ने बाद में ये नहीं सोचा है हमारी समस्या का निराकरण नहीं हुआ। इसलिए हम अपने इस चुनाव, लोकसभा चुनाव, तो बिल्कुल ये ऐसी परंपरा नहीं होनी चाहिए। इसी लाइन के साथ इस खबर को हम दिखा रहे हैं, लेकिन खबर क्यों दिखा रहे हैं, क्योंकि प्रशासन के अधिकारियों ने क्या किया, सरपंच वहां के क्या कर रहे हैं। अनिल गौर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल, स्वान निद्रा से उनके सरपंच क्यों नहीं जागे हैं? आज मतदान बहिष्कार की बात की जा रही है, नंबर वन ये आपसे सवाल है। और दूसरा, जब भी ऐसी खबर आई थी, आज भी विस्तार न्यूज ने खबर दिखाई थी और उसका असर हुआ था और तुरंत वहां पर जो है तमाम अधिकारी पहुंचे और गांव वालों को समझाया, आश्वस्त किया, उसके बाद वोट देने के लिए निकल गए, तो क्या ऐसी पहल वहां भी की गई है? बिल्कुल, देखिए नितेश, जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, बिजली, पानी, सड़क, और उन्हीं को लेकर चुनाव होता है और उन्हीं को लेकर ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है। लेकिन एक ऐसा गांव, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले का नूरपुर गांव, जहां 77 साल आज़ादी के होने के बावजूद भी वहां पर उस गांव में न तो बिजली है, न पानी है, न सड़क है, सबसे बात न ही स्कूल है, बच्चों के पढ़ने के लिए वहां स्कूल नहीं है। और यही कारण है कि जो बच्चे हैं, ग्रामीण हैं, ग्रामीण वो पढ़ाई से वंचित हो रहे हैं, तो इसको लेकर पूरा ग्रामीण आक्रोशित है और यही वजह है कि उन्होंने आगामी जो कल मतदान होना है उसको लेकर उन्होंने बहिष्कार किया। उन्होंने कहा कि 77 साल में आज तक न तो यहां पर बिजली की, पानी की, सड़क की व्यवस्था नहीं हो पाई है, तो हम किस वजह से वोट दे रहे हैं, यही कारण है बहिष्कार। जो मेरा अगला सवाल था, प्रशासन की ऐसी कोई मुहिम, कोशिश, आश्वासन, क्या फौरन उनको नहीं जाना चाहिए और उनको मनाना चाहिए था, या अभी इस संदर्भ में भी कोई प्रक्रिया जारी है? बिल्कुल, देखिए नितेश, जब इस बात की जानकारी प्रशासन को लगी तो हड़कंप मच गया और उसके बाद प्रशासन के अधिकारी गांव में पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि चुनाव के बाद जो उनकी मूलभूत जो वो समस्या है उनको दुरुस्त किया जाएगा। यही कारण है कि ग्रामीण मान गए हैं, उन्होंने कहा है कि ठीक है, अब की बार मान लेते हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वो पिछले कई सालों से जो सरपंच है, सरपंच के साथ साथ जिला अधिकारी हैं, चाहे वो कलेक्टर हों, प्रशासन के अधिकारी हों, तमाम कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन इसके बाद उनकी समस्या का निराकरण नहीं हुआ है। लेकिन उन्होंने कहा है कि कल मतदान होना है, लोकतंत्र का पर्व है, ऐसे में वो मतदान जरूर करेंगे, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से अधिकारियों ने जो वादा किया है उनके साथ, अधिकारियों ने वादा किया है और अनिल को देख लीजिए, इन्होंने दुरुस्त किया है, सुबह से इस खबर को लेकर पीछे पड़ गए थे। अनिल, यही खुश नहीं होंगे हम, खुशी तो है ही कि खबर का असर हुआ, विस्तार न्यूज की बात पहुंची है, लेकिन जब तक उनकी सड़क, बिजली, पानी, स्कूल नहीं पहुंच जाता, तब तक अनिल लगे रहेंगे, विस्तार न्यूज लगा रहेगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे धार की खबर की। धार के भोजशाला में एएसआई का सर्वे लगातार चल रहा है।
आज सर्वे का 46वां दिन था। सुबह के समय एएसआई के अधिकारियों ने भोजशाला में प्रवेश किया। एएसआई की टीम में आज 20 अधिकारी और 42 मजदूर शामिल थे। मजदूरों की संख्या पहले की तुलना में बढ़ा दी गई है, जिससे मिट्टी हटाने के काम में तेजी आ सके। एएसआई टीम के सदस्य अब अलग अलग भागों में विभाजित होकर काम कर रहे हैं। इस दौरान पश्चिम क्षेत्र में लेबलिंग का काम किया गया और उत्तर दक्षिण पश्चिम साइड में मिट्टी हटाई गई। तो जो ये तमाम चीजें थी वो भी हमने आपको बता दी, धार की भी खबरें बता दी आपको। तो जबलपुर, रायपुर, अंबिकापुर, बिलासपुर, सकती, बस्तर और इसके बाद भोपाल, ग्वालियर, अनूपपुर, धार, तमाम जगहों की खबरें आपको बता दी। दिल्ली की भी खबरें बता दी, राधिका खेड़ा की भी खबर बता दी। तो सब कुछ आपको बताते हैं क्योंकि नाम है हमारा विस्तार न्यूज, जहां खबर मिलती है विस्तार से। आपका अपना चैनल है।